नियम से चलेगा सदन, निश्चित चलेगा, नियमावली है विधानसभा के, नियमावली से चलेगा। काला धन उनके पास है और टूट पर पट्टी उनके पास है, तो आपके घर छापामारी होगा कि मेरे घर होगा? फेस करे, बतावे कि हमारे पास उजला धन है, काला धन नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपया दे के राज्यसभा में चले गए। 14 दिन पहले नोटिस होना चाहिए। 14 दिन पहले नोटिस किया है, 14 दिन पहले नोटिस। प्रमोद कुमार जी, प्रमोद जी, कैसे आज सदन चले? नियम से चलेगा सदन, निश्चित चलेगा, नियमावली है विधानसभा के, नियमावली से चलेगा। एक से एक ज्ञाता का किताब है, उससे चलेगा, विधि वेता के। आज कई जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के छापेमारी की जा रही है, सवाल बीजेपी पर। काला धन उनके पास है और टूट पर पट्टी उनके पास है, तो आपके घर छापामारी होगा कि मेरे घर होगा? फेस करे, बतावे कि हमारे पास उजला धन है, काला धन नहीं है। काला धन उनके घर में है, करोड़ों करोड़ रुपया दे के राज्यसभा में चले गए। करोड़ों करोड़ रुपया का हेरा फेरी करके टिकट इधर उधर किए हैं, नहीं जानते हैं आप लोग? सुनील सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अरे तो बीजेपी अपना सफेद धन बतावे ना, काला धन इसी तरह थोड़े ईडी जाता है। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं प्रमोद कुमार, और कह रहे हैं कि अगर काला धन आपके यहाँ है तो छापेमारी किसके यहाँ होगी। उन्होंने कहा है कि अगर व्हाइट मनी है तो दिखाइए। उन्होंने कहा है कि जो जन मुद्दे हैं वो आज सदन में उठेंगे। तो निश्चित तौर पर आज जो विशेष सत्र 2 दिन के लिए बुलाया गया है बिहार विधानमंडल का, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो जन के मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। और इससे पहले जो सियासी ड्रामा है वो बिहार में देखने को मिला, और राजधानी पटना समेत कई जिलों में जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, MLC हैं, उनके कई ठिकानों पर CBI की जो रेड है सुबह से चल रही है। तो निश्चित तौर पर बिहार, जो कि सियासी संकट से गुजर रहा था, उस बिहार में कई जो पॉलिटिकल ड्रामा है उसकी शुरुआत हुई है CBI रेड के साथ। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, BJP के जो तमाम विधायक हैं, वो अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, और विरोध प्रदर्शन जो है उसकी शुरुआत बिहार विधानमंडल से हो गई है। अगली तस्वीर हम तुरंत आप तमाम दर्शकों तक साझा करेंगे।